हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पेटीएम के बारे में। जो भी सब फ्रेंड है, जितने भी आदमी हैं, मेरा भी वीडियो मैं पहले बनाया था, उसमें लॉगिंग हो चुका था, लेकिन अभी लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। आप बगैर सिम कार्ड का लॉगिंग नहीं कर सकते हैं। आपके मोबाइल में सिम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो लॉगिंग नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ लॉगिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं आपके सामने अपना पेटीएम ओपन करके, यहाँ अपना सिम नंबर डाल दिया, डाल के देखिए फिर प्रोसेस पे क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ फील्ड बता रहा है। ये एक और तरीका है, वहाँ से जाकर ट्राई करते हैं, क्या पता वहाँ से हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे, और हो भी जाता है तो OTP डालने का ऑप्शन नहीं आता है। OTP कहाँ से डाल सकते हैं आप? आपके मोबाइल पे OTP आता भी है तो OTP डालने का ऑप्शन नहीं आता है। चले एक और तरीका है, वहाँ से जाकर चेक करते हैं, क्या पता वहाँ से हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन करें, यहाँ आएँ अपने होम ब्राउज़र पे, यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ लिखें अपना पेटीएम, देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पेटीएम लिखें। पेटीएम लिखने के बाद इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद देखिए जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें। यहाँ देखिए पेटीएम ओपन हो चुका है, यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर डालें, जिस नंबर से आप बनाना चाहते हैं वो नंबर यहाँ डालें, डाल के प्रोसेस पे क्लिक करें। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए वेरीफाई मोबाइल नंबर कर रहा है, लेकिन ये लगता नहीं है कि होने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ फेल कर दिया। इसका मतलब है कि आप जिस नंबर को अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिस नंबर से, वो नंबर आपके मोबाइल में होना लाजिम चाहिए। अगर आपके मोबाइल में आपके नहीं है तो आपका पेटीएम अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता है। ये अभी नया अपडेट है, नया सिस्टम अभी लागू किया है। जब तक आप अपने मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल में नहीं डालिएगा, जब तक आपका कोई पेटीएम अकाउंट नहीं बन पाएगा। देख सकते हैं, जितना भी कोशिश कीजिए, पहले एक बार हो गया था, लेकिन अभी जो भी नंबर है, जो भी सिम कार्ड है, आप अपने मोबाइल में डालें, डाल के उसके बाद पेटीएम में लॉगिन कर सकते हैं। वो क्या हो रहा है कि अभी आपका नंबर वेरीफाई नहीं कर रहा है, आपका जो मोबाइल है, जो डिवाइस है, उसको वेरीफाई कर रहा है। उससे वेरीफाई करके आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। अगर आप उस मोबाइल वेरीफाई नहीं कर पाएगा तो आपका पेटीएम अकाउंट ओपन नहीं होगा। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो वहाँ पे भी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ओके फ्रेंड, देखिए जितना भी आप ट्राई कर सकते हैं, आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपना सिम कार्ड अपने मोबाइल में नहीं डालिएगा, जब तक लॉगिन नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।